अभी तक देखा, इंस्पेक्टर अजय एक तांत्रिक की मदद से दोनों भूतों को बांध कर जला देते हैं। सभी इस बात से इंस्पेक्टर अजय को शाबाशी देते हैं और गौरव वीर पुरस्कार भी मिलता है। सभी को ऐसा लगता है कि भूतों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। एक दिन एसीपी विक्रम और अजय दोनों साथ में उसी रास्ते से जा रहे थे। रात हो गई थी। देखो कितना सुंदर रास्ता है। उन भूतों की वजह से गांव वाले तो क्या, यहाँ तो पुलिस वाले भी आने जाने से डरने लगे थे, लेकिन अब देखो सब बढ़िया है। हाँ सर, हमारे गांव में शांति बनाए रखना मेरा फर्ज है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी अजय कार की मिरर में देखता है, वो दोनों भूत वहीं पेड़ पर बैठे हुए हंस रहे थे। अजय ने झटके से कार रोक दी। क्या हुआ अजय, ऐसी गाड़ी क्यों रोक दी। सर वो भूत। क्या भूत, वहाँ कोई नहीं है। दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। इंस्पेक्टर अजय को विश्वास ही नहीं होता कि उसने जो देखा वो उसका भ्रम था। अगले दिन फिर वही रास्ते पर एक पुलिस वाले की लाश मिलती है। अजय को विश्वास हो जाता है उसने जो देखा था वो सच था। यहाँ क्या हो रहा है, फिर से वही सब शुरू हो गया। सर मैंने जो कल देखा था वो मेरा भ्रम नहीं था, वो दोनों भूत वापस आ गए हैं और इस बार दुगनी ताकत के साथ आए हैं। तुम ये कैसे बोल सकते हो अजय। सर ये तो मुझे भी नहीं पता है, मैं इसे जरूर पता लगा लूंगा। अजय उस जगह पर जाता है और सारी छानबीन करने लगता है। अजय उस तांत्रिक को भी लेकर जाता है, लेकिन तांत्रिक वहीं पास में छुपकर सब देखता है। सिर्फ अजय ही आगे जाकर देखता है। अजय जैसे ही वहां जाता है दोनों भूत वहां अचानक से आ जाते हैं। मुझे पता था तुम दोनों वापस आ गए हो, पर कैसे ये नहीं पता है, वो भी जल्दी ही पता चल जाएगा। तुम जिंदा रहोगे तब ना। तब तांत्रिक वहां आ जाता है और फिर से वही मंत्र फूंक कर दोनों भूत को बांध देता है, लेकिन इस बार दोनों भूत पर उन मंत्र का कोई असर नहीं होता। उल्टा दोनों भूत जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस बार हम लोग पिछली बार की तरह कमजोर नहीं है। ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आ सकती है। दोनों भूत उस तांत्रिक को उठाकर पेड़ पर पटक देते हैं और अजय को लेकर एक सुनसान अंधेरी जगह पर जाते हैं। हम लोग यहाँ कैसे आ गए, छोड़ो मुझे। इस बार भी हम लोग एक और पुलिस वाले को मारेंगे, लेकिन इस बार हम तुम्हारा रूप लेकर। हम लोग पिछली बार बच कैसे गए। तुम्हें गलतफहमी है कि तुमने हम लोगों को पकड़ा था, वो तुम्हारे पुलिस वाले की आत्मा थी जिसे हमने कैद करके रखा था। इंस्पेक्टर अजय को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। एक भूत अजय का रूप लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है। अच्छा हुआ अजय आ गए तुम, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। केस का कुछ सुराग मिला। मुझे ऑर्डर मत दे, मुझे अपना काम अच्छे से पता है। ये क्या तरीका है अजय, तेरे से और कैसे बात करूं। अजय यू आर सस्पेंडेड। जा मैं ये नौकरी छोड़कर ही जा रहा हूँ। भूत अजय वहाँ से चला जाता है और पूरे गांव में दोनों भूत अजय का रूप लेकर बदमाशी करने लगते हैं। कभी बच्चों को पेड़ पर लटका देते तो कभी साइकिल से जाते हुए आदमी को गिरा देते और कभी दुकान में जाते और फ्री में सामान लेकर भाग जाते। सारे लोग अजय की कंप्लेन लेकर एसीपी विक्रम के पास जाते हैं। मुझे इस अजय का कुछ करना होगा, बहुत गुंडाई करने लगा है। एसीपी विक्रम गांव में जाकर देखने लगते हैं। रामलाल भागते हुए आता है। सर वो इंस्पेक्टर अजय ने मेरी सारी फसल खराब कर दी। तभी संताराम भी आता है। सर इंस्पेक्टर अजय ने मेरा सारा दूध गिरा दिया। तभी वो तांत्रिक वहाँ आता है। इसमें अजय की कोई गलती नहीं है, वो दोनों भूत वापस आ गए हैं, इस बार ज्यादा शक्तिशाली होकर आए हैं और शायद उन दोनों ने अजय का रूप ले लिया है ताकि पूरे गांव में अजय बदनाम हो जाए। मुझे पता था विक्रम ऐसा कभी नहीं कर सकता।
एसीपी विक्रम उस तांत्रिक को लेकर उसी रोड पर जाता है। दोनों अजय वही पेड़ पर बैठे हुए थे। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। तांत्रिक एक बड़ा सा जाल निकालता है और दोनों भूत के ऊपर डाल देता है। तभी दोनों भूत वहां से गायब हो जाते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम एक भूत का हाथ पकड़ लेता है और वो भूत के साथ ही इंस्पेक्टर अजय के पास जाता है। सर आप यहाँ, ये दोनों भूत बहुत खतरनाक है। तभी एसीपी विक्रम वहाँ एक बॉम्ब फोड़ देता है और वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। एसीपी विक्रम अजय का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों वहाँ उस रोड पर पहुँच जाते हैं। पुलिस वाला और भूत। अब तक आपने देखा कि पुलिस वाला प्यारे सरपंच के बेटे और उसके दोस्त को गोली मार देता है और गांव की उस लड़की और उसके भाइयों को इंसाफ दिलाता है। अब आगे सरपंच के बेटे और उसका दोस्त दोनों भूत बन जाते हैं और अपनी मौत का बदला लेने की ठान लेते हैं। एक रात वही पुलिस वाला उस रास्ते से गुजर रहा होता है, तब दोनों भूत उसके सामने आते हैं। कौन हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोका है तुम दोनों ने? क्यों भूल गए? कुछ दिनों पहले इसी रास्ते पर तुमने हमें गोली मार दी थी। हाँ हाँ, लेकिन तुम गुनेगार थे इसलिए मैंने तुम्हें मारा था, तुम्हें सजा दी थी। अब तुम सजा भुगतो। अच्छा, मरने के बाद भी तुम दोनों नहीं बदले, फिर से गुनाह करना चाहते हो? हाँ हाँ, और अब तो हमारे गुनाह की सजा भी कोई नहीं देगा हमें। फिर वो दोनों भूत पुलिस वाले को मार देते हैं। उस दिन से ऐसे ही वो दोनों भूत पुलिस वालों को मारने लगते हैं। ये सब देखकर एसीपी विक्रम अपने दो पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं। सुनो, आजकल उस रास्ते पर पुलिस वालों की हत्या होने लगी है। पता नहीं चल रहा है ये सब कौन कर रहा है। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत शर्म की बात है। हमें जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना चाहिए कि वो कोई आतंकवादी है या जेल से छूटा हुआ कोई पुराना खतरनाक कैदी। जी सर, हमने इस बारे में पता करने की कोशिश की लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आज रात हम फिर वहाँ जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों पुलिस वाले रात को उस रास्ते पर जाते हैं और कोई सुराग खोजने की कोशिश करते हैं। तभी दोनों भूत वहाँ आकर दोनों पुलिस वाले को मार देते हैं। ये केस अब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर के पास आता है। वो एसीपी विक्रम से आकर मिलता है। आओ अजय आओ, अब तुम ही इस केस को सुलझा सकते हो। सर, मैंने इस केस को स्टडी किया है, कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन एक बात तय है कि जो कोई भी हत्यारा है वो सिर्फ पुलिस वालों को ही मार रहा है, बाकी लोगों को नहीं मार रहा है। इसका मतलब है कि पुलिस वाला का कोई दुश्मन ये सब कर रहा है। मैं जल्द ही इस केस को सुलझाऊंगा सर। हाँ अजय, तुमने पहले भी इस तरह की केसेस सुलझाई है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना भाई, इस केस की तफ्तीश करने वाली पुलिस वालों को भी उसने मार दिया है। हाँ पता है सर, इसलिए मैं आज रात पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाऊंगा ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर रात को अजय ठाकुर उस रास्ते पर आकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो भूत वहाँ आते हैं लेकिन उन्हें कोई पुलिस वाला नहीं दिखता। अजय की समझ में आ जाता है कि ये इन्हीं भूतों का काम है। सर, मुझे पता चल गया है कि ये सब वो दो भूत कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने इस बारे में गांव वालों से पूछताछ की, तब मुझे पता चला कि कुछ दिनों पहले एक पुलिस वाले ने गांव के सरपंच के बेटे और उसके दोस्तों को गोली मारकर उनके गुनाहों की सजा दे दी थी। शायद वही दोनों भूत बनकर अब पुलिस वालों से अपनी मौत का बदला ले रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, मैं उन्हें उन भूतों को मुक्त करने को कहता हूँ। रात को अजय तांत्रिक के साथ उस रास्ते पर आता है। पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए अजय को देखकर दोनों भूत उसे मारने के लिए सामने आते हैं। तभी तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से उन्हें बांध देता है और उन पर भस्म डाल देता है। दोनों भूत उसी जगह पर जल जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं।